उद्धव ठाकरे के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी पर राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने विवाद पर जवाब दिया है। सूत्रों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से यह बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए सभी एसओपीज का पालन किया जा रहा है। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि लोकसभा चुनावों के दौरान श्री सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी 24 अप्रैल को बिहार के भागलपुर में और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार जिले में ली गई थी। मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं। इतिहासकार थोड़ा ठीक ठाक रख लें अपने। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के चौपर और बैग की तलाशी लिए जाने को लेकर जोरदार हंगामा बरपा पड़ा है। कल यवतमाल में उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी हुई तो आज सोलापुर में उनके चौपर की तलाशी ली गई। कल उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे तो हेलीपैड पर चुनाव अधिकारियों ने उनके सामान की चेकिंग की। बस फिर क्या था, नाराज हो गए उद्धव। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि क्या एकनाथ शिंदे अजीत पवार का बैग भी आप चेक कर सकोगे। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि अभी तो आप बैग खोल रहे हो, अभी बैग खोल लो, बाद में तुमको खोला जाएगा। अब इस पर महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया। शरद पवार ने कहा कि विरोधियों को तंग किया जा रहा है, तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या आप स्वयं को शहंशाह समझते हैं। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे सर। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तर बॅग तपासले? माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण? हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिने एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिरायक सापडलो। नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहांची तपासली? साहेब अद्याप आले नाहीत, नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। ठीक आहे, नक्की सर। हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय, मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा मी हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, रिकवर आहे। माझा युरिन पॉट पण तपासा। बॅग उघडली ते उघडायला काय काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। उद्धव ठाकरे के बैग चॉपर की जांच का मुद्दा महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति का हॉट टॉपिक बन गया। महाविकास आघाड़ी के नेता अब महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे की सत्ता संख्या हासिल से ये सत्ते से हल कैसा कर सत्ता जहांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे ते सहन करावं लागेल, त्याच्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करणं आवश्यक आहे। चुनाव इलेक्शन कमिशन जो है वो अपना काम करते रहते, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है, चड्डी बनी है क्या, सिर्फ क्या है बैग में उनके? उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह या आलम समझते हैं? देखिए, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सबके बैग खोलते हैं, किसी का भी खुलता है, और शायद ये कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, इसलिए देखिए कितने हज़ार किलो चांदी कल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए। ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का भाई, अगर कुछ है नहीं तो दिखाओ। उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, ये सब चेकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को
टारगेट कर रहे हो वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग वो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है।